गाइस टोटो पकड़ने के बाद हम लोगों ने टोटो वाले को 20 रुपया दिया और उसने एक खासियत मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर दो नदी मिलता है, एक देख सकते हैं सब लोग यहाँ भक्ति में लेना है। तो मंदिर के पास पहुँच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। न्यू ब्लॉग, सुबह के बज रहे हैं 7 और आप सोच रहे होंगे कि मैं स्टेशन पे क्या कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों का मेरा एक और दोस्त है जो ब्लॉगर है, अमरदीप राय, उसका अमरदीप ब्लॉग्स नाम का चैनल है यूट्यूब पर। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कल रात को कि हम लोग चलते हैं मायापुर यानी कृष्ण नगरी, जहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं मायापुर कृष्णा नगर स्टेशन है। तो कृष्णा नगर स्टेशन पे हम लोग उतर गए हैं। हम लोगों की ट्रेन 6:25 पे सुबह को थी विधान नगर से। अगर आप मायापुर आने का सोच रहे हो तो सियालदह से आपको ट्रेन मिलता है, जो कि तकरीबन सुबह का एक ट्रेन कृष्णा नगर ट्रेन होता है, लोकल ट्रेन, आप वहां से पकड़ सकते हो और मायापुर आपको तकरीबन 2 या 3 घंटे में आप पहुँच जाओगे। तो हम लोगों ने 6:35 पर ट्रेन पकड़ा था विधान नगर से, क्योंकि हम लोगों का घर विधान नगर से नज़दीक है। तो हम लोगों ने विधान नगर पे जाने के बाद ट्रेन पकड़ा और ट्रेन पकड़ने के बाद तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग फाइनली कृष्णा नगर स्टेशन पर उतर चुके हैं। और अब हम लोग यहां से, हम लोगों ने बहुत लोगों से पूछा, जानकारी लिया कि कैसे मायापुर यानी इस्कॉन टेम्पल, जो कि सबसे फेमस टेम्पल है, वहां पे कैसे विजिट करें। तो लोगों ने बताया कि बाहर में ऑटो मिलता है, ऑटो पकड़ के आपको लॉन्च में जाना होगा, स्टीमर जो होता है नाव, उसको पकड़ना होगा, फिर उसके बाद वो आपको कहीं छोड़ेगा, फिर उसके बाद वहां से आपको बस पकड़ के मायापुर के लिए डायरेक्ट बस मिलता है। तो हम लोग अभी वहां पे बस हम लोग स्टेशन से बाहर निकलने वाले हैं। तो बस फिलहाल हम लोग यहां पे उतरे हैं। अभी हम लोग स्टेशन पे उतरने के बाद नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद बस अब हम लोग निकल रहे हैं। इस स्टेशन पे उतरने के बाद दे रही हमारी ट्रेन, जो कि खड़ी हुई है, बस यहाँ से निकलेगी। इसका लास्ट स्टॉपेज था कृष्णा नगर, अब कृष्णा नगर से डायरेक्ट चल जाएगी फिर दोबारा सियालदह। ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मायापुर कैसे आते हैं और मायापुर आने के बाद आप कहाँ रह सकते हैं, खाने का क्या यानी यहाँ पे खाना कैसे होता है, कौन सा रेस्टोरेंट सबसे बेस्ट है, और मायापुर में आपको कैसे कहाँ पर जाके इस्कॉन मंदिर जाना है। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं। ऑटो स्टैंड, जो कि स्टेशन से बाहर निकलने के बाद ठीक ऑटो स्टैंड आपको दिखेगा, आप ऑटो स्टैंड पे जाके यहाँ पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी फर्स्ट टाइम आए तो हम लोग भी पूछेंगे कि मायापुर कैसे जाना है और इससे पहले हम लोग को कैसे सफ़र करना है इस्कॉन टेम्पल के लिए। तो हम लोग किसी ऑटो वाले को देखते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या प्राइस लगेगा यहाँ से जाने का। चलिए मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। हम लोग ऑटो से उतर गए हैं। ऑटो से उतरने के बाद हम लोग एक गली के अंदर से यहाँ पे, जहाँ पे स्टीमर चलता है, जहाँ पे लॉन्च है, वहाँ पे हम लोग आए हैं और ऑटो वाले ने 25 रुपये लिया, यानी हम लोग स्टेशन से स्टीमर, जो जहाँ पे स्टीमर चलता है, देख सकते हैं मेरे ठीक आगे स्टीमर चलता है यहाँ पे, तो यहाँ से आपको टिकट कटा के स्टीमर पकड़ कर उस पार जाना होगा, घाट के उस पार जाके फिर उसके बाद असली जो जर्नी होता है स्टार्ट होता है। तो ऑटो वाले ने 25 रुपये लिया और बहुत ही दूर था, तकरीबन 2 किलोमीटर हम लोगों ने ऑटो से सफ़र किया, तब जाके हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद स्टीमर पकड़ेंगे, स्टीमर पकड़ने के बाद हम लोग घाट के उस पार जाके हम लोग मायापुर का असली जो ट्रैवलिंग स्टार्ट होगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। स्टीमर फुल होने वाला है और हम लोग पीछे हैं, सब लोग लाइन में लगा हुआ है, बस लगभग फुल हो चुका है, शायद अब हम लोगों को दूसरा स्टीमर पकड़ना होगा, देखते हैं। देखिए सब लोग चढ़ रहा है अभी यहाँ स्टीमर पे, जल्दी चल भाई नहीं तो चढ़ने को नहीं मिलेगा। बाइक साइकिल सब चढ़ता है स्टीमर पर, हाईटेक स्टीमर है। अब स्टार्ट हो चुका है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, देख सकते हैं हम लोग का स्टीमर बस चल रहा है। अब सब लोग यहाँ पे खड़े हो चुके हैं और स्टीमर हम लोगों का चल रहा है। पहला एक्सपीरियंस है गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही सुकून मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, लाखों में श्रद्धालु आते हैं, खासकर जन्माष्टमी के दिन बहुत ही श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं कृष्ण नगरी इस्कॉन को देखने के लिए। Thank you.
जितने लोग यहाँ नाव पे चढ़े हुए हैं सब लोग मायापुर के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बहुत श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। तो बस यहाँ पे घाट हम लोग का शायद आ चुका है, हम लोग उतरेंगे अब। हो रहा दूसरा नाव जो कि अब हटेगा और हम लोगों का नाव वहाँ पर शायद लगेगा। हम लोग वहाँ से आए थे, यानी उस घाट से जो आपको वहाँ दिख रहा है वहाँ से इस पार आने के लिए आपको ये नाव पकड़ना पड़ता है। देखिए ये नाव अब इन लोगों को वहाँ पे छोड़ेगा और हम लोगों का जो नाव है यहाँ पे सब लोग खड़े हैं ये सब अब यहाँ पे उतरेंगे, यानी इस घाट, यानी आपको वहाँ से इस तरफ आना है। तो एक ही साधन है, यानी एक ही जरिया है आपको नदी पार करने का, वो है स्टीमर। तो यहाँ पे आपको बस हमारा नाव अब घाट पे लगने वाला है। वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ भी अब यहाँ से जो लोगों ने मायापुर का दर्शन कर लिया अब उस पार जाएंगे, वहाँ से ऑटो पकड़ के फिर स्टेशन फिर अपने घर। हमारा नाव लगभग लगने वाला है, देख सकते हैं ये लग गया, यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे रस्सी बन गई है, रस्सी बनने के बाद अब सब लोग उतरेंगे, बाइक भी उतरेगा साथ ही साथ हम लोगों के। हम लोग उतर गए हैं फाइनली। 2 रुपये टिकट लगा था इस नाव का, जो टिकट प्राइस था 2 रुपये था, जो कि बहुत ही चीप है। और अब हम लोग को पता नहीं है कि क्या करना है, यहाँ से शायद हम लोगों को ऑटो पकड़ना पड़ेगा। ऑटो पकड़ के हम लोग मायापुर जाएंगे, यानी इस्कॉन टेम्पल। सो गाइस, नाव से उतरने के बाद हम लोग जहाँ पे आए हैं ठीक हमारे सामने श्री जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ पे हरे कृष्णा हरे रामा का जाप हो रहा है। और हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये मंदिर है जो कि यहाँ पे भजन चल रहा है। हम लोग देखते हैं अंदर, दर्शन करने के बाद हम लोग भी हरे कृष्णा का जाप करते हैं, क्योंकि कृष्णा हम लोगों के अंदर बसे हुए हैं, पूरे दुनिया के लोगों के अंदर बसे हुए हैं। तो यहाँ पे श्रद्धालु देखने को मिलेंगे, सब लोगों ने तिलक लगाया है हरे कृष्णा वाला, हम लोग भी लगाएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग बस, और मैं बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आके लॉन्च बुक कर सकते हैं अगर आपका स्टेइंग, यानी आप यहाँ पे 2-3 दिनों तक रहना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लॉन्च बुक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे ठीक सामने लॉन्च है, आपको बहुत सारे लॉन्च यहाँ इस साइड में मिलेंगे, यानी नाव से उतरने के बाद जहाँ पर आप लॉन्च बुक करके रूम में रह सकते हैं रीजनेबल प्राइस में। सभी श्रद्धालु आपको देखने को मिलेंगे, हमारे कृष्णा भजन हो रहा है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे बैठ सकते हैं हमारे कृष्णा भजन करने के लिए, लोगों के साथ हमारे साधुओं के साथ। तो भजन बस खत्म होने वाला है। सो गाइस, अब हम लोगों का यहाँ से जर्नी स्टार्ट होने वाला है मायापुर के लिए। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे फॉरेनर लोग भी हरे कृष्णा का जाप करते हैं, जो कि बहुत फॉरेनर यहाँ पे बस चुके हैं, खासकर रसिया से लोग आते हैं। तो मैंने मंदिर का व्यू दिखाया कैसे सब लोग जाप कर रहे थे, रशियन लोग इंडियन लोग सब लोग हरे कृष्णा के जाप में विलीन थे। अब हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी तो पता नहीं है कि कैसे जाना है, यहाँ से शायद टोटो पकड़ना पड़ेगा। तो हम लोग टोटो पकड़ेंगे फिर मंदिर के लिए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते मेरे पीछे बस टोटो ही टोटो है। फाइनली हम लोग टोटो में बैठ चुके हैं। यहाँ पे आप जब जगन्नाथ मंदिर का हम लोगों ने सफ़र किया तो ठीक उससे कुछ दूरी पर, यानी 2 मिनट चलने पर टोटो का स्टैंड आता है, जहाँ पे आपको टोटो वाले मिलेंगे। आपको बोलना पड़े ना पड़े लेकिन वो लोग आपको जरूर बोलेंगे कि कहाँ जाना है, मंदिर चलना है। तो इस टोटो वाले भाई साहब ने, सब लोग 10 रुपये ले रहे थे लेकिन ये टोटो वाले भाई साहब ने 5 रुपये में हम लोगों को मंदिर पहुँचाने का बोला। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो मंदिर चलते, इतने सस्ते में भाई साहब हम लोगों को मंदिर पहुँचा रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग बैठ चुके हैं मायापुर नगरी के लिए, एक्सप्लोर करते हैं मायापुर, पहला जर्नी हम लोगों का है। तो भाई साहब देख रहे हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन्हें शायद पता नहीं होगा तो मैं बता दूंगा उनको बाद में। तो यहाँ पे सिर्फ टोटो ही चलता है, यानी मंदिर जाने के लिए। तो चलिए मायापुर नगरी को एक्सप्लोर करते हैं अच्छी तरीके से। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फौरन ही सब्सक्राइब करो गाइस, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग में हमेशा बना के आता रहता हूँ।
फाइनली हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए हैं टोटो से उतरने के बाद, जो कि 10 रुपए लगा टोटो का। और ठीक हमारे सामने इस्कॉन टेम्पल है, यानी हरे कृष्णा टेम्पल, जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि दूर से कैसा लगता है इस्कॉन टेम्पल। देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इतना खूबसूरत गुंबद जो डिजाइन बना हुआ ना, आप देख के आपका मन खुश हो जाएगा। देखो आप दूर से कितना सुंदर लग रहा है इस्कॉन टेम्पल, बहुत ही ज्यादा सुंदर। मैं बता नहीं सकता कितना सुंदर लग रहा है, उसका गुंबद भी कितना खूबसूरत लग रहा है। लोग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल, ठीक मेरे सामने रहा इस्कॉन टेम्पल, और आप मेरे सर पर देख सकते हो कि मैंने तिलक लगाया है। तो यहाँ पे ठीक फ्रंट गेट पर जो वहाँ महिला खड़ी है वो टीका लगाते हैं, जो कि 5 रुपए लेती हैं एक जन का। तो मैं और मेरे दोस्त ने लगाया, 10 रुपए लगा है। और ठीक मेरे सामने इस्कॉन टेम्पल है, श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। और यहाँ ठीक बाजार के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, इसके ठीक मायापुर मंदिर के सामने बाजार है। यहाँ पे खाने का सामान है और बहुत सारा सामान है, सजने का और बहुत सामान है जो आप घर लेके जा सकते हैं, घंटी और बहुत सारा मूर्ति, बहुत चीज आपको मिलेंगी, ताकि आप कुछ यादगार के लिए जा सकते हैं लेने के लिए। ठीक मेरे सामने ये रहा मायापुर मंदिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और कितना ऊंचा है मंदिर। तो गाइज ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमने पहले ब्लॉग में ये बताया कि मायापुर मंदिर कैसे आया जाता है, कैसे आप सफ़र करेंगे, क्या आपका बजट रहेगा, और कैसे आप यहाँ पे आते हैं, तो हमने फर्स्ट ब्लॉग में बताया। अब दूसरा ब्लॉग जो होगा उसमें हम बताएंगे कि मंदिर के अंदर क्या व्यू है, और मंदिर कैसा है दिखने में, और खाना आप कहाँ खा सकते हैं। तो ये मंदिर, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।